हम निकलते हैं डेस्टिनेशन के लिए, रास्ता लगा हमने के। तो दोस्तों ये देख लो राजस्थान का सीजन, ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल ही बर्फ ही बर्फ पड़ी है चारों तरफ। ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल ही बर्फ ही बर्फ पड़ी है चारों तरफ और हम बर्फ के अंदर हैं, जीत है लाइक मतलब ऐसा। और आपको पता है क्या ये क्या चीज़ है, डंपिंग यार्ड किसे बना है? ये जो डंपिंग यार्ड है ना वो बना है जो मार्बल्स के वेस्ट कचरा होता है ना, मार्बल्स काटते हैं तो वो पानी और वो मलबा निकलता है ना, वो यहाँ ला ला के कई साल लगे और ये तो लगभग 2015 मैं पूरा हो गया था और ये काफ़ी लंबा चौड़ा है। और यहाँ पर कई फिल्मों के शूट वगैरह हो चुके हैं और बहुत ही प्यारा नज़ारा है, देख के आनंद आ गया। अभी आप आओ ना कभी तो ज़रूर पता ना, और कुछ चारों साइड से देख लो व्यू वगैरह। ये डंपिंग यार्ड है, डंपिंग यार्ड जो किशनगढ़ अजमेर राजस्थान इंडिया में है, और अभी हम आए अजमेर के डंपिंग यार्ड इस मिनी स्विट्ज़रलैंड, इसको राजस्थान का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, और आप कश्मीर कह दो कुछ भी कह दो आपकी मर्जी है। और बहुत ही प्यारा सीन है, और अब इसको वापस ले जाया जा रहा है उसके द्वारा, और इसका वो बॉर्डर बनता है जो बाहर विदेशों में भेजते हैं। और ये पानी है जो बरसात का आया हुआ है। तो आखिर हमें एक भाई साहब है जो वो बाइक खड़ी है, उस बाइक पर हमारा सामान खड़ा है और एक भाई साहब हमें यहाँ तक ले आए और यहाँ पे बिल्कुल लोकेशन पे ला के छोड़ा। तो यहाँ पर आने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है, नहीं आपको कोई रुपए देने किसी को, बस एक एसोसिएशन से आपने देखा होगा ना वहाँ से एक पर्ची देनी है और यहाँ पे दिखानी है, और कुछ भी नहीं चाहिए। और मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कहें आपसे, बिल्कुल मैं भाई साहब एकदम कश्मीर वाली फीलिंग आ रही है। और वो बिट्टू है इधर ले रहा है शॉट वगैरह सकते हैं। और ये कुछ पानी है, ये पानी है जो बरसात से आया है, मतलब ऊपर से चल चल के पानी आया बरसात का, तो फिर इसके अंदर इकट्ठा हो गया और ये झील टाइप है। आप पानी देखो किसका कलर देखो, तो आप सुंदर नज़ारा देख सकते हैं किशनगढ़ डंपिंग यार्ड का। किशनगढ़ आपको बता दें जो किशनगढ़ है तो एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है, मार्बल यानी संगमरमर की मंडी है। और यहाँ पे जो मार्बल की कटिंग से जो पाउडर बनता है उस पाउडर को यहाँ पे डाला गया है और उसी से ये डंपिंग यार्ड या आप मतलब लाइक ये बर्फ़ टाइप लगता है, मतलब ऐसे लगता है कि जब बरसात होती ना तो ये बर्फ़ की टाइप लगता है, पूरे ये खड्डे वगैरह भर जाते हैं तो ये कश्मीर टाइप लगता है। तो लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत जो कपिल शर्मा की फिल्म है किस किस को प्यार करूँ वो भी यहीं पे शूट हुई है, सपना चौधरी, बिग बॉस, बहुत सारे एक्टर यहाँ चुके हैं। और फिल्में भी जो अनिल कपूर की फिल्म है वो भी शूट यहाँ पे हुई है, मैंने पढ़ा है इनके बारे में। तो ये क्या है ना, आपको बताऊँ कि जो मार्बल है संगमरमर, जो हिंदी में संगमरमर बोलते हैं, मार्बल की कटिंग होती है ना, तो उस कटिंग से जो पाउडर बनता है वही पाउडर है तो यहीं पे, मतलब ये कम से कम आपको बताऊँगा कितने बीघों में फैला हुआ है, 302 बीघों में है पूरा, हम तो बस थोड़ी दूर में खड़े हैं, ये पूरा 302 बीघों में है। और जो कटिंग से जो मार्बल से पाउडर बनता है उसी पाउडर को किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन द्वारा यहाँ पे डाला गया है, और एक नया बन रहा है उधर उस साइड में, इसके पास में है जस्ट, उसको बनने में लगभग कई साल लगेंगे क्योंकि रोज़ 660 टैंकर है, ऐसे कुछ टैंकर है जो लगे हुए हैं, जो मार्बल के कतरे को होता है ना वो कटिंग करते हैं और पाउडर निकलता है, उस पाउडर की कटिंग को एक जगह डालते हैं, तो ये डालते जाते तभी ये ऐसा सफ़ेद सफ़ेद बन गया है। और ये पानी है जो बरसात से आया हुआ है, पता नहीं कैसा है, शायद अच्छा तो होगा ही नहीं क्योंकि मार्बल्स में होके आया है। और नज़ारा बहुत ही शानदार हो रहा है, देख लीजिए कितना शानदार नज़ारा है,
बहुत ही ऐसा लग रहा है कि कश्मीर में आ रहे हैं। यहाँ पर लोग बहुत विदेश से, इटली से, रूस, अमेरिका से घूमने आते हैं। अगर आपको भी बर्फ़ जैसा फील लेना है कि हम बर्फ़ में हैं, तो यहाँ पे आ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई बर्फ़ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये डंपिंग यार्ड जो मार्बल का पाउडर है इसको डाला गया है, और इसी से इसके अंदर बरसात से पानी इकट्ठा हो गया है। और उधर लोग आ रखे हैं, फोटोशूट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। और ये पाउडर का जो है ना, वो इसको डंपिंग यानी डंपर और यार्ड यानी इसको एक साइड में इकट्ठा किया गया है। तो और इसको अब वापस भी उठा रहे हैं। वापस क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि इसका जो पाउडर बनता है ना, वो पाउडर विदेशों में जाता है मार्बल्स के नीचे लगाने के लिए। तो इसको वापस उठा रहे हैं। और उधर हमने कुछ बता दिया आपको जो बताना था। अब हम चलते हैं दूसरी जगह पे। और इससे पहले आप अगर अजमेर या किशनगढ़ या जयपुर के आसपास में हो, तो ये जयपुर से थोड़ी दूर में और किशनगढ़ के तो अंदर है। किशनगढ़ आपको पता है कि एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है, मार्बल यानी संगमरमर मंडी। और यहाँ पे आप अगर 10 बजे के पहले आओ तो ये अच्छा होता है, मतलब क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ही ज़्यादा है। और धूप ज़्यादा है, 4 बजे ये बंद हो जाता है शायद, 4 या 5 बजे, आपने रिसिप्ट में देखा ही होगा। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, ऐसा लगता है कि वाह। रातू धूप ज़्यादा तेज है ना, तो फिर थोड़ी आँखें वगैरह वो उस टाइप से हो गई है। और यहाँ पे आप आओ ना, तो आपको बताया था कि मास्क वगैरह का लगा के आना। यहाँ पे मार्बल्स की कटिंग होती है, तो ये पाउडर बहुत ज़्यादा उड़ता है, और ये पाउडर बहुत ही अंदर जाके आपको, आप मेरी आवाज़ से देख सकते हैं, पाउडर की वजह से जुकाम, आपको फेफड़े जाम हो सकते हैं। और ये एक प्राइवेट जेट जा रहा है, लोग इसकी फोटो खींच रहे हैं। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही और नए नए वीडियो देखने के लिए। मैं जो राजस्थान के कंप्लीट यात्रा पे निकला हूँ, और यहाँ से राजस्थान की लगभग जो देखने वाली जगह हैं, जो कुछ अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं, मतलब जहाँ पर कम लोग गए हैं, वहाँ पर हम जाते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं। और यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह घोड़ों पे हो रही है, सभी लोग फ़ोटो का आनंद ले रहे हैं। हम भी कुछ फोटोग्राफी रील्स वगैरह बनाएंगे और फिर चलेंगे यहाँ से। कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अभी कश्मीर में आ गया है, बट यहाँ पे बर्फ नहीं है, यहाँ पे पुड़पुड़ी है। पुड़पुड़ी यहाँ पे फुट, हाँ, हमारी भाषा में पुड़पुड़ी है, और हमारी भाषा में पुड़पुड़ी है। और बाकी ये है काफ़ी अच्छा है, और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, अभी मैंने हाथ में लिया था। अच्छा, ये नीला नीला हो रखा है पानी? हाँ, पानी नीला नीला नीला, मतलब पानी रखा है, स्काई ब्लू है, स्काई ब्लू। वाह, व्हाट एन व्यू। और फोटोग्राफी करा सकते हैं आप यहाँ पे, बड़ी बड़ी फिल्मों की, सीरियल्स की, और एल्बम की शूट हुआ है। और देख लीजिए आप, ध्यान रखना कहीं फोन ना पड़ जाए, पूरा का पूरा। बिताने के बाद में, हाँ हो गया, 2 घंटे यहाँ बिताने के बाद में अब हम चलेंगे आगे पर्वत सर की तरफ। तो हमने यहाँ पे रील्स वगैरह, फोटोज़ वगैरह बहुत सारी क्लिक की। अगर आपको फोटोज़ वगैरह देखनी है तो हमारे इंस्टाग्राम टू विदेश पे जाइए, और भैया का चैनल है वो इंस्टाग्राम है,
ऑफिशियल बिट्टू, वहाँ पे जाके रील्स वगैरह देखिए, बहुत प्यारी रील्स बनी है। और अभी ये बाहर की साइड जा रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि बाहर की साइड जा रहे हैं, तो आपको लेके चलेंगे, तो लेके भी जा रहे हैं। तो और ये हमारे, हम जितने में वीडियोज वगैरह बनाए तब तक हमारे पास खड़े रहे, और उनकी बाइक पे हमारा सामान पड़ा रहा। और अब फिर हमने, हमारे को पूछा कि अब आप फ्री हो गए हैं, तो हम चलते हैं। इन्होंने हमारे लिए वेट किया, बहुत बहुत उनको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। यार गुरु, एक कोई तरीका नहीं कि फ्री किसी को लाए हम साथ में उसको छोड़ चले जाए, वो नहीं है। हमारा फर्ज है कि हम आए यहाँ, आपको लेके आए, वापस जा रहे हैं, वापस ले जा रहे हैं। आपका नाम? तरुण शर्मा। तरुण शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी आपका। फिर आएंगे, कभी मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। फिर कभी आएंगे, तो फिर चलते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं पर्वत सर की तरफ, और फिर आगे मिलते हैं। तो भाई साहब चलिए, ठीक है। तो यही कुछ था कृष्णगढ़ डंपिंग यार्ड। ये कुछ झील है, लोग फोटोग्राफी करा रहे हैं, और आप भी यहाँ पे आओ फोटो वगैरह। झील नहीं है, लाइक पानी इकट्ठा हुआ है बरसात से, सभी फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो इतना ही है मेरे हिसाब से, देख लें आप पूरा बर्फ पे, बर्फ़ है आपको मनाली शिमला की, लद्दाख की फीलिंग आती है। और तो यही है, अब हम चलेंगे आगे। कहाँ चलेंगे आप, दूसरे वीडियो जरूर देखना। बड़े लोकेशन देखने वाले सब्सक्राइब टेको आगो, हम कहीं लागे थोड़े टेको, सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लो। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आँखों के पीछे पीछे हम पगले से चल पड़े, मेरी आँखें बदल गई।